हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। यहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइबर्स में से बहुत सारी बहनों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है पर उसमें क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्लॉट्स आते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी फुल इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्लॉट्स आते हैं, अगर आते हैं तो उनका साइज कितना बड़ा होता है, किस टाइप के क्लॉट्स आते हैं जो बताते हैं कि ये आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, और कितना बड़ा साइज होता है जिससे पता चलता है कि ये पीरियड्स है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप उस हिसाब से फिर अपनी देखभाल कर सकेंगी। अगर आप उसको पीरियड समझ के नज़रअंदाज कर देंगी तो फिर इसमें मिसकैरेज होने के भी खतरे होते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। बाकी डिटेल में हर टॉपिक पे हमने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात की है, जिससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक प्रेगनेंसी सिम्टम है। ये पीरियड डेट पे भी हो सकती है, पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले भी हो सकती है, और पीरियड डेट मिस होने के बाद भी होती है बहुत सारे लोगों में। मेरे केस में मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेरी पीरियड डेट से 5 दिन पहले हुई थी, पीरियड डेट मिस होने के बाद नहीं हुई थी, पहले ही हुई थी। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब होती है उसके जस्ट 3-4 डेज बाद ही सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी नज़र आने लगते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, और लाइट पिंक कलर का भी होता है, तो जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है, ना ही पैड्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत माइनर सी ब्लीडिंग होती है, स्पॉट्स आते हैं, जनरली लोगों के सिर्फ पैंटी में ही काम हो जाता है, उन्हें पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी से कंफर्म होता हो जाता है कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, पीरियड्स नहीं है। कुछ लोगों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ 1 या 2 दिन भी हो सकती है, कुछ लोगों में 10-10 दिन तक होती है। मेरे केस में 1 हफ्ते से ज़्यादा हुई थी, 10 दिन तक हुई थी। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये भी कहते हैं कि मैम हमने वीडियोस देखे थे उसमें कह रहे थे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ 1 दिन होती है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये सिर्फ 1 दिन नहीं होती है, ये 10 दिन भी हो सकती है, 15 दिन तक भी हो सकती है। अगर मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती तो शायद मैं भी कह देती कि हाँ ये 1 ही दिन होती है, लेकिन क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ये वीडियो, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 10 से 15 दिन तक भी हो सकती है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती है। अगर किसी को बराबर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो आप बस डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो इंजेक्शन देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। बस इसमें आराम करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही रुक जाती है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्लॉट्स आते हैं, अगर आते हैं तो कितने बड़े आते हैं? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्लॉट्स आते हैं लेकिन बहुत माइनर से, धागे नुमा जैसे, ये एकदम छोटे से गेहूं के दाने के समान होते हैं, चने के दाने के समान हो, इस टाइप से क्लॉट्स आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स नहीं आते हैं, या फिर लंबे लंबे धागे नुमा क्लॉट्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि क्योंकि सबके पीरियड्स अलग अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो इसलिए सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सब में एक जैसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों को ज़्यादा भी होती है, या उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, एक ही दिन हो लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों का सिर्फ स्पॉट्स में ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कम्प्लीट हो जाती है। तो सबकी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है, सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। तो क्लॉट्स जो हैं कभी किसी में थोड़े बड़े साइज के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी की प्रेगनेंसी में सिर्फ एक जैसी ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो या सिर्फ एक जैसे ही क्लॉट्स आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। जनरली जो क्लॉट्स आते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, धागे नुमा क्लॉट्स आते हैं, या बहुत छोटे छोटे दाने के समान क्लॉट्स आते हैं, बस इतने बड़े ही आते हैं। लेकिन किसी के केस में थोड़े बड़े साइज के भी हो सकते हैं, बस आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं सारे प्रेगनेंसी के, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अब काफ़ी सारे लोगों में सिम्टम्स भी सारे नहीं आते हैं, कुछ ही सिम्टम्स आते हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि अगर सिर्फ ये एक सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट होने में पेट में किस तरफ दर्द होता है,
तो आप वो भी वीडियो देखिए। अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप खुद कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो क्लॉट्स के साइज पे भी डिपेंड करता है किस टाइप के अगर क्लॉट्स आ रहे हैं। अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉट्स आपको ज़्यादा बड़े बड़े आ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए ताकि वो आपको मेडिसिन दें, क्योंकि क्लॉट्स ज़्यादा आने के बाद फिर मिसकैरेज होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत छोटे साइज का ही होता है। तो मिसकैरेज होगा तो फिर बच्चा भी क्लॉट्स के साथ बाहर आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है लेकिन क्लॉट्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो बिना समय गवाए डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि मिसकैरेज होने से बंद हो जाए, मिसकैरेज होने का चांसेस ख़त्म हो जाए। और एक वीडियो और मैंने बताया था जिसमें मैंने एक ऑयल बताया है कि उसको आपको नाभि में प्रेग्नेंट होने से पहले या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप उस ऑयल की मसाज करिए अपने नाभि पे पूरे 9 मंथ तक। अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आप उस ऑयल की मसाज कर सकते हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 9 मंथ तक उस ऑयल से मसाज करिए तो आपके मिसकैरेज के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट होते ही पूरे 9 मंथ उस ऑयल से मसाज की थी, और ये टिप मुझे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने ही दी थी। तो मैंने उस वीडियो में आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कोई भी महिला नहीं चाहेगी, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो उनका मिसकैरेज हो। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेफ़ और हैप्पी प्रेगनेंसी होगी, हैप्पी डिलीवरी होगी और आपका प्यारा सा बेबी होगा। तो ये सारे जो मैंने आपको टिप दी ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी। आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में कुछ भी सुना सुनाया नहीं बताती हूँ, जो भी बताती हूँ वो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ों का फ़ायदा मुझे मिले वो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को भी मिले। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। कुछ पर्सनली पूछना है, कोई रिपोर्ट सेंड करनी है तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। और अगर आप चाहते हैं कोई आपकी विशेष प्रॉब्लम है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप उसका भी कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।